मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आप तमाम बिहार वासियों का अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आए दिन एक अफवाह चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है, गांव-गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में, गली गली में, हर जगह। पता नहीं किस तरह से किस आदमी ने ये अफवाह फैलाई है। इसमें कई लोग लगे हैं, कई तरह के लोग लगे हैं, असामाजिक तत्व लगे हैं, जो समाज में शांति नहीं चाहते, एकता नहीं, सद्भाव नहीं, भाईचारा नहीं चाहते, समाज को उथल पुथल करना चाहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्व लोग इस तरह का अफवाह फैलाने में लगे हैं, बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर। कहाँ है बच्चा चोर भाई? कहीं कोई बच्चा चोर नहीं, कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं कोई बच्चा चोरी नहीं हुई। और बच्चा चोर कह कह करके किसी भी अपरिचित आदमी को, अनजान आदमी को पकड़ लेना, उसकी पिटाई करना, इसमें कुछ हत्याएं भी हो गई, कई लोग मर भी गए। तो इस तरह की अफवाहें फैला करके जनता को तबाह करने वाले लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान है, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, स्पीडी ट्रायल होगा, नरक को जाएंगे। लेकिन हम आम जनता से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, कोई बच्चा चोर का गिरोह नहीं काम कर रहा है, किसी का बच्चा चोरी नहीं हो रहा है, बिल्कुल अफवाह है। कहीं भी बच्चा चोर करके कोई किसी को उकसावे, अफवाह फैलाकर किसी को मारने पीटने पकड़ने कोशिश करे, तुरंत संबंधित थाने को खबर कीजिए। जिस पुलिस पदाधिकारी का नंबर आपके पास हो उसको खबर कीजिए, अपने थाने को खबर कीजिए, लोगों को रोकिए, समझाइए। ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से पूरे समाज में अनार्की हो जाएगी। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए भी इस अफवाह का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हों, सरपंच हों, भूतपूर्व मुखिया हों, भूतपूर्व सरपंच हों, वार्ड मेंबर हों, भूतपूर्व वार्ड मेंबर हों, वार्ड पार्षद हों, जिला पार्षद हों, आदरणीय विधायक जी हों, भूतपूर्व विधायक जी हों, सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि पूरे जोरदार ढंग से एक जन जागरण अभियान फैलाएं, लोगों को बताएं कि बिल्कुल अफवाह है, कंप्लीट अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चा चोर के नाम पर बिल्कुल किसी को पकड़ना नहीं है, किसी पर हाथ नहीं उठाना है, किसी की पिटाई नहीं करनी है, जघन्य अपराध है, हत्या का मुकदमा चलेगा, स्पीडी ट्रायल होगा, जेल जाएंगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। और जो तमाशा बीन बन करके लोग देखने वाले हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि ये कानूनी जुर्म है, इसमें हस्तक्षेप करें, गलती से कहीं कोई किसी को पड़े तुरंत उसकी मदद करें, उसको सुरक्षित रूप से पुलिस के हवाले करें, पुलिस जांच करेगी। कानून को कृपया अपने हाथ में न लें। इस तरह के मॉब लिंचिंग के केस में जिसका नाम आ जाएगा, कभी भी आ गया, आपको बहुत नुकसान है। एक तो आप पर मुकदमा होगा, आप जेल जाइएगा, भागिएगा, कुर्की जब्ती होगी, स्पीडी ट्रायल होगा, आपको सजा होगी। एक बार नाम आ गया, सरकारी नौकरी के आप लायक नहीं रहेंगे, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, चरित्र सत्यापन नहीं होगा, चरित्र सत्यापन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसके बिना तो ठेकेदारी भी नहीं कर सकते, कोई हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा, घर में परिवार में कोई हथियार का लाइसेंस हो भी कैंसिल हो जाएगा, गुंडा रजिस्टर में आपका नाम चढ़ जाएगा, और गुंडा रजिस्टर में नाम चढ़ जाने के बाद उस इलाके में कहीं कोई किसी प्रकार की इस तरह की विधि व्यवस्था की समस्या हुई तो बार बार पुलिस आपको खोजेगी, हमेशा के लिए आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए इस तरह के अफवाह में नहीं आना है। मैं तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, आम जनता को अपील करता हूं, मेरी बात का ख्याल, कहीं बच्चा चोर नहीं, सिर्फ अफवाह है। मैं अपनी बात बिहार के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं, बच्चा चोर की अफवाह केवल अफवाह है, किसी पर हाथ न उठाएं, किसी पर शक हो पुलिस को सूचना दे दें, लेकिन किसी के साथ मारपीट नहीं करें। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम। आपके सहयोग से ही बिहार में विधि व्यवस्था स्थापित हो सकती है।